अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस समय हम फिर संगम आ पहुंचे और संगम में बताएं कि तीर्थ पुरोहितों की जो जगह थी वो हटाने को बात को लेकर हमने खबर चलाई और खबर दिखाई, हमने अधिकारियों से बात की हमने और जायजा लिया कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि माघ मेला लगना है और जहां पर तीर्थ पुरोहित हैं उनका जो स्थान है वो हटा दिया गया था। कहीं ना कहीं हमारे बात के बाद ये असर हुआ है कि उन्हें 3 महीने के लिए यहाँ पर अस्थायी एक जगह दी गई है। हालांकि ये मांग इनकी तरफ से की जा रही है कि इन्हें कुछ ऐसी जगह दे दी जाए जहाँ पर इनका अपना जो काम होता है, जो पूजा पाठ होती है, जो यहाँ के इनके यजमान आते हैं उनकी पूजा अर्चना हो सके। हम उनसे सीधे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला था पूरा। हम लोगों का 14 तारीख को जो है पूरे खत तोड़ दिया गया था सेना के द्वारा। इसके बाद लगभग 28 दिन के बाद पुनः ऑर्डर दे दिया गया है कि हार लगाने के लिए, लेकिन अस्थाई है, 31 मार्च तक उन्होंने कहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमेशा के लिए हमको जो है जगह निर्धारित कर दें, सभी तीर्थ पुरोहित वहाँ पर रहें, बार बार तोड़ फोड़ ना हो, हमारे प्रतिष्ठा उससे गिरती है, यात्री परेशान होते हैं। तो हम लोग आदिकाल से चले आ रहे हैं, हमारे यहाँ सांसद जी के प्रयास से जो है लोकसभा में बात उठा, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री से बातचीत हुई, सफलता मिला है, आगे देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जो कि जाहिर सी बात है कि इनके पास जो यजमान आते हैं वो तमाम दुनिया से, देश के अलग अलग कोने से आते हैं, और चूंकि यहाँ पर जो होता है सेठ जो होता है इनका, जो हम आपको ऊपर दिखाएंगे, ये कहीं ना कहीं इसको ये ट्रैक्टर कहा जाता है, इसको बांध दिया जाता है, ऊपर पन्नी होती है, तो यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं कम से कम नीचे रात गुजार सकते हैं। खास बात ये होती है कि यहाँ पर रात गुजारने की अपने आप में बहुत कठिन बात हो जाती है, क्योंकि ऊपर से ओस गिरती रहती है और जाड़े का समय रहता है और तापमान यहाँ का लुढ़कता चला जाता है। हम और लोगों से बात करेंगे, भैया किस तरह से आप क्या चाहते हैं यहाँ पे अस्थाई हो जाए भैया, और आपका क्या कहना है? आप बताएं। ऐसा है, हम लोगों को एक साल में हम लोग कोई अस्थाई नहीं है, यहाँ स्थाई नहीं है हम लोग, यहाँ साल भर में हम लोगों को 2 बार हटना पड़ता है, एक माघ मेले में और एक जब यहाँ फ्लड गंगा जी बढ़ती है तब ऊपर हम लोग चले जाते हैं बांध के ऊपर। तो बस यही कहना है कि एक हम लोग तो अस्थाई है ही हैं, तो हमको यहाँ से हटाया ना जाए बस। तो क्या आप लोग क्या ऐसा चाहते हैं कि कुछ ऐसी छोटी मोटी कोई ऐसी रास्ती बना दी जाए जिससे आपका उनका भी आपका सारा कुछ हो जाए और आपका भी कुछ पीछा पड़ी में ले लें कि भाई हम यहाँ रहने? वो हमको जहाँ भी चाहें हम जगह दे दें, स्थाई हमको हम लोग आते नहीं, अस्थाई हैं, पक्का निर्माण नहीं हम लोगों का, और हम लोग यही चाहते हैं कि बार बार हमको न गड़ा जाए। हमारे यात्री वो आते हैं, बुजुर्ग यात्री आते हैं, बूढ़े आते हैं, वो लोग परेशान होते हैं, हमारा मेन झंडा है वो डिस्टर्ब हो गया, जब उससे यात्री परेशान हुए, तो हम लोग यही चाहते हैं सेना से, सरकार से, कि हम लोगों को जो है ब्राह्मण की रक्षा करें, हम लोगों का तखत जो है हमेशा के लिए। पूरी दुनिया से यजमान आते हैं, कहाँ कहाँ से यजमान आते हैं, किस तरह से उनको किस तरह से राज जिताने के लिए कैसे जाते हैं? भारतवर्ष के लोग आते हैं और वृद्ध भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तमाम लोग आते हैं। एक अस्थायी तौर पर अगर हमको दे दिया जाए जिससे रात में जो यात्री आते हैं तो क्या मैसेज जाएगा? सही बात, क्या कहना भैया आपका? हम लोग को सुरक्षा सुविधा चाहिए यहाँ के लिए, यात्री के लिए। अच्छा, तो आप मतलब आप लोगों की तरफ से एक टीम गठित हुई है जो बात करने के लिए जा रही है, क्या निष्कर्ष आया? अब टीम जो गठित हुई वो वार्तालाप कर रहे हैं, निष्कर्ष मैंने बताया आपसे कि 3 महीने के लिए उन्होंने अभी ओके किया है, अब आगे जो है बात चल रही है। अभी हमारे लोगों का मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप होगा, टाइम मांगा गया है, वो जब हम लोगों को टाइम देंगे तो हम लोग उनसे भी जाकर वार्तालाप करेंगे, जो है हमारे समाज के लोग उसमें जो अग्रसर हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, बराबर वार्तालाप कर रहे हैं, सेना से भी वार्तालाप कर रहे हैं, रसल से भी कर रहे हैं, सरकार से भी कर रहे हैं, रक्षा मंत्री से भी वार्तालाप कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। स्थानीय सांसद के द्वारा संसद भवन में ये बात लोकसभा में उठाई गई कि यहाँ पर जो पंडा हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर जो अपने पूजा अर्चना कराते हैं, उनका जो स्थान है कहीं ना कहीं यहाँ से हटाया जा रहा था। उसके बाद कहीं ना कहीं ये सारा का सारा मामला उत्तर प्रदेश सरकार पे थोप दिया गया। राजनाथ सिंह ने इस सारे मामले को रक्षा मंत्रालय की तरफ से देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह से ये कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा किया जाए। अशोक अवस्थी के साथ पंकज चौधरी, प्रयागराज न्यूज़।